अरे इधर इधर बेटा, अभी बाइट नहीं, किसी सबको बाइट मिलेगी 3 बजे के बाद, ठीक है? कोई बात नहीं। राखी जी क्या कहने, राखी जी क्या कहना चाहोगे, राखी जी क्या कहना चाहोगे? मत कोई इंटरव्यू लो, अभी 3 बजे देते, 3:45। चलेगा ठीक है, जाने तो रास्ते उधर उधर जाने, आदिल आदिल कोर्ट में उधर चल रहा है। हां भाई पूछ रहे हैं, आदिल कोर्ट में उधर चल। आप आपसे कुछ बात नहीं है, आदिल को इतना देखा कैसा, क्या देखो भाई, हमने देखा यहां पे कहां जा रहे हो? ये होटल में जा रहे हो? अरे जान दे, जान दे, ए जान दे, जान दे, हाँ साइड में लेके जाएंगे। क्या बात है राखी जी, बहुत खुश है आज। अरे क्या छाव में आ जाओ, छाव में और छाव में घूम जाओ, इधर वो घूम लगा दो माइक, बताओ माइक आ जाओ, राइट में विशाल, इधर है विशाल, उधर से पीछे से उधर से। अरे क्या करे पागल है, संचित भाई, संचित भाई तू हाथ डाल ना। अरे ए शूट कर रहा रे राजा, बाय बाय, थोड़ा एक अरे अरे हो गया सब, रिलैक्स हो गए सब, सब रिलैक्स। सुनो सुनो, देखिए पहले दिन से, जिस दिन से आरोपी को हमने अरेस्ट किया था, तो उस दिन से ही हम उसकी पुलिस कस्टडी के लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन उसकी पुलिस कस्टडी जब नहीं मिली तो नेचुरली हम ऊपर गए, रिवीजन कोर्ट में गए, और कल रिवीजन कोर्ट की शाम को यह ऑर्डर आई कि उसकी पुलिस कस्टडी की एप्लीकेशन के बारे में नीचे के कोर्ट दोबारा सुनवाई ले और जो भी कुछ उसके अंदर निर्देश देने वो पारित करें। तो उस बिना पे, उस ऑर्डर के बिना पे आज हम लोगों ने हमारा सरकार का और पुलिस का पक्ष फिर से रखा, फिर से हमने आज कोर्ट को इस गुहार को लगाई कि इस ऑफेंस में जो कुछ भी इम्पोर्टेंट एविडेंस जुटाना है, जमा करना है, उसके लिए किस प्रकार इस आरोपी की कस्टडी की ज़रूरत है। और फिर कोर्ट ने हमारी सब दलीलें सुन के, और कल जैसे कि रिविजन कोर्ट ने भी बताया था कि इसमें ज़रूरत है कस्टोडियल इंट्रोगेशन की, वो सब चीज़ों को नज़र रखते हुए जो भी पुलिस के पेपर्स हैं, जो आज तक का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो हमने हमारे तरफ से किया हुआ है, वो सब पेपर्स देख के कोर्ट ने उसको कंसिडर सब कुछ किया और फाइनली आज जिस आरोपी की पुलिस कस्टडी के लिए हम अभी तक थोड़ा सा जिद्दोजहद कर रहे थे, उसको आज कोर्ट ने 20 तारीख तक पुलिस कस्टडी की हिरासत में भेज दिया है। आप क्या कुछ आज कहा हुआ पूरे दिन में कोर्ट में, थोड़ा जानना चाहूँगा। पहली बात तो मैं हमारे जो सरकारी वकील हैं सभी का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि अगर वो रिवीजन एप्लीकेशन नहीं मूव करते और हमें मौका नहीं मिलता इंटरवीन करने का, तो शायद वो वापस से पीसी मांगने की नौबत नहीं आती। लेकिन इनकी कोशिश और उसमें हमारा हाथ, दोनों को सफलता मिली है, और ये सफलता बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी। और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरा रहेगा हमारे अशोक सरोगी साहब का, जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने जो बेस्ट करना था राखी के लिए, हम सब के आभारी हैं जिन्होंने हमें राखी को हेल्प किया और सच्चाई की साथ दिए। और अब पुलिस कस्टडी 4 दिन की है, इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होगा और धीरे धीरे हम जो चाह रहे थे कि सारी सच्चाई सामने आए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में रिवील नहीं हुई है, बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट करना बाकी है, वो मौका पुलिस को मिला है। अब पूरी बाजी पुलिस के हाथ में है कि किस तरह से वो केस को और मजबूत करते हैं। हमने हमारा काम कर दिया है, अब पूरा पुलिस के हाथ में है कि कैसे इस केस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और हम सब जेन्युइन चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि फेक है या कुछ ऐसी चीज़ है, तो जेन्युइनली हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि राखी को न्याय मिले। राखी जी कई हद तक केस आपके जी, मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि राखी सावंत को न्याय नहीं मिला है। एक हिंदुस्तान की महिला जो पीड़ित है, पीड़िता महिला को आज न्याय मिला है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बार इतिहास रचा गया है, पहले शादी होती है फिर सुहागरात होती है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले सुहागरात हुई है फिर शादी हुई है। तो इसका मतलब ये है
कि जब आरोपी को पहले पुलिस कस्टडी पहले मिलती है, फिर जुडिशल कस्टडी मिलती है, लेकिन यहाँ पर पहले जुडिशल कस्टडी मिली, जैसी मिली, और आज पीसी मिली है। पुलिस कस्टडी मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना कैसे पता चलेगा कि मेरा क्या नुकसान हुआ, मेरे पैसे गए, मेरे जेवर गए, मेरा मतलब जो भी मेरे धाराएं हैं वो कैसे साबित होगी, वो पुलिस कस्टडी में ही साबित होगी। बट ये लोग बहुत ही, इनके वकील और इन्होंने बहुत ही शाणपत्ती करके, पहले इनको पता नहीं कि हमारे जो हिंदुस्तान के, जो हमारे अंधेरी कोर्ट के जो सरकारी वकील जो है, कितने महारथी है। मैं इन सबका धन्यवाद कहूँगी, पीपी साहब का धन्यवाद कहूँगी, फाल्गुनी जी का जो मेरी एडवोकेट है, अशोक सरोगी साहब का धन्यवाद, और वाहिद भाई मेरे, जितने भी मासूम भाई यहाँ पे, जितने भी हमारे सब लोग हैं, इन सबका धन्यवाद कहूँगी कि इन सब ने एक सच्चाई के लिए सब आए हैं, एक रुपए का फ़ायदा नहीं देखा है। पहली बार ईमानदारी से मुझे ऐसा लगता है, मेरे साथ ये सब मेरे भाई बहन खड़े हैं, एक रुपए का कोई फ़ायदा ना देखते हुए ये लड़े हैं और मुझे न्याय दिलाया है। पुलिस कस्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं सर आपके तो चरण स्पर्श करना चाहूँगी कि आगे भी आप लोग प्लीज़ मेरी मदद करें, मैं पीड़ित हूँ, सच्चाई आप लोग जज साहब के सामने लाए। सर राखी जी, आपकी कई दिनों बाद मुलाकात हुई आज आदिल से, कुछ उन्होंने कहा, कुछ माफी मांगी, कुछ ऐसा? कुछ नहीं, वो मुझे गुस्से से देख रहे थे। कुछ ऐसा आपसे नहीं कहा कि आप? कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ ऐसे गुस्से से देखा। अभी सडनली उनका कोई बंदा आया और कुछ बोल रहे थे, इतने में भाई ने बोला ये कौन है, इतना करीब कौन आ रहा है? तो मुझे, मैंने कुछ सुन नहीं पाई और मैं आगे अंदर कोर्ट में चली गई। थैंक यू सर। नहीं, उनका इनका करने दो सर। बस बस।